CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम आचार्य जगदीश चंद्र बसु, एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उत्तर में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड पर स्थित ये है बसु विज्ञान शोध संस्थान। इसके द्वार पर है ये संदेश, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द फीट ऑफ गॉड फॉर ब्रिंगिंग ऑनर टू इंडिया एंड हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। नवंबर 1917 आचार्य जगदीश चंद्र बसु का 59वां जन्मदिन। बसु विज्ञान मंदिर यानी बसु विज्ञान शोध संस्थान का स्थापना दिवस, सर जगदीश चंद्र बसु का उद्घाटन भाषण। I dedicate today this institute not merely a laboratory but a temple without any academic limitations to all races and languages, to both men and women alike, and for all time coming. What a great day in the name of science! He has a genius mind! Really? Mr. Bose is a genius! What a visionary man he is! ये हैं भारतीय विज्ञान की प्रथम पीढ़ी के महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु। इन्हें जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। वो एक साथ भौतिकी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पुरातत्व शास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक थे। उनका बेतार संचार की खोज में अनुपम योगदान है, और उससे भी महत्वपूर्ण योगदान है वनस्पति शास्त्र में भौतिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। ये उनका विश्व स्तरीय शोध कार्य है। अमेरिका से पेटेंट पाने वाले वो पहले भारतीय थे। दस मई सन 1901, शुक्रवार की शाम। ये है विज्ञान की सबसे प्राचीन संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी का सभागार। दुनिया भर के वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ। गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम ऑल एस्टीम्ड साइंटिस्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। जैसा कि आपको पता ही कि आज के विशेष लेक्चर के लिए भारत से हमारे यहां पधारे हैं प्रोफेसर जेसी बोस। प्रोफेसर बोस सिर्फ एक नए विषय पर बोलेंगे ही नहीं, बल्कि अपने प्रयोगों से उसे सिद्ध भी करेंगे। आई वेलकम प्रोफेसर बोस। सर प्लीज। थैंक यू। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं आज प्रयोगों के द्वारा आप सबके सामने ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वनस्पति जगत में भी अन्य जीवन रूपों की तरह अनुभूतियां होती हैं, और वो भी महसूस करते हैं। सी दिस इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण, इसका नाम है बैलेंस्ड क्रेस्कोग्राफ। ये पौधे में वृद्धि की रफ्तार को 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। Amazing. और इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेस्कोग्राफ का प्लांट मूवमेंट डिटेक्टर पौधे की छोटी से छोटी वृद्धि को दिखाने में, उसे मेजर करने में सक्षम है। ये 1 इंच के 1,00,000वें भाग तक की मूवमेंट को मेजर कर सकता है। ये पौधे की 1,00,000,000 गुना छोटी मूवमेंट को भी
रिकॉर्ड कर चुका है। That is amazing. Oh my God. Unbelievable. How is that possible? Yes, it's possible. घोंगे यानी स्नेल की गति को एक्सप्रेस ट्रेन जितना करके ये दिखा सकता है। That is amazing. Great. Oh. पर मिस्टर बोस, आप वाइब्रेशंस को, स्टिमुलस को कैसे कंट्रोल करेंगे? गुड क्वेश्चन। ये यंत्र इतना संवेदनशील, इतना सेंसिटिव है कि 1 से 20 सेकंड के अंतराल में हुए कंपन को भी ये बखूबी अंकित कर सकता है। पौधे में होने वाले हर कंपन को ये कागज की पट्टी पर अंकित भी कर सकता है। I understand. ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक जड़ सहित पौधा है। अब मैं इस पौधे को इस यंत्र में लगाता हूं। I see. And now we'll start. थैंक यू। अब मैं इस पौधे को यहां से हटाकर जहर में डुबोकर फिर से इस यंत्र में लगाता हूं। Here we go. अरे ये क्या हुआ ये? Nothing is happening, sir. कुछ भी नहीं हुआ। What are we supposed to say here? What is he trying to prove? Professor साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, मुझे शक है कि कहीं कुछ गलत है। Possible. I'm very sure what I'm doing. Sir, nothing is happening. देखिए, अगर ये जहर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी, what are you saying? और इसे साबित करने के लिए मैं इस घोल को पीने के लिए तैयार हूँ। No, Mr. Boss. You cannot do this. ये क्या कर रहे हैं आप? No, I have to do this. You can't do this. No. आप नहीं कर सकते। No, I'm sorry. I have to. Professor Boss, रुकिए। ये मेरी शरारत थी। मैंने ही जहर की जगह ये घोल भरा था। Oh my God. I'm so sorry. How is it possible कि आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए? Thank you. इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। I'm sorry. ओके, तो अब हम दोबारा ठीक से इस प्रयोग को दोहराएंगे। नाउ सी दिस वाइब्रेशन रिकॉर्डिंग। दैट इज अमेजिंग। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की छटपटाहट हो, जैसे किसी की तेज सांस चल रही हो, जैसे कोई तड़प रहा हो। ओह, पैन अब रुक कर खड़ा हो गया। It's like death. मानो मृत्यु हो गया हो। This man is a genius. It should be for public display. इसके बाद महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु प्रोफेसर जेसी बोस के नाम से विश्व विख्यात हो चुके थे। 30 नवंबर सन 1858 को जगदीश चंद्र का जन्म पूर्वी बंगाल के मेमन सिंह जिले में हुआ। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश है। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में हुई। संवेदनशीलता का गुण जगदीश चंद्र को अपने माता पिता से मिला था और जिज्ञासु तो वो
स्वाभाविक रूप से थे ही। अरे ये पौधा जमीन के नीचे कैसा होता है, देखो तो सही। ये तो टूट गया। अरे इसके नीचे तो फूल भी नहीं है, जमीन के नीचे फूल ही होते। अब ये वाला तोड़ के देखता हूँ। ओरे बाबा, क्या कर छी? अब ये पौधा क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ के देख रहा था ये पौधा जमीन के नीचे कैसा होता है। बेटा जैसे तुम ही चोट लगती है तो दर्द होता है, क्या पता इन्हें भी दर्द हो रहा हो। क्या पौधे भी हमारी तरह रोते हैं? की बोल ची, पर महसूस तो करते ही होंगे, बेचारे बोल भी तो नहीं सकते। क्या सोचने लगे? माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर पता लगाऊंगा कि पेड़ पौधे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं। पहले पढ़ लिख कर खूब बड़ा तो हो जा, ठीक अच्छी। माँ जो स्कूल में मेरे दो दोस्त है ना मेरे साथ, वो जो मेरे साथ बैठते हैं, मछली की, नदी की बहुत सारी कहानी बताते हैं, पेड़ों के भी बातें बताती हैं। अच्छा माँ जो तालाब है ना उसके पास। The school days were the happiest days of my life. On my right side sat son of my father's Muslim peon. And on my left side was the son of fisher folk. They told the stories of strange creatures in stagnant pools. From them too, I drew my love of nature and skills for making small but intricate instruments. जगदीश चंद्र बसु जैसा मेधावी बालक भला गांव तक सीमित कैसे रह सकता था। सन 1869 में इनका दाखिला कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में करवाया गया। कलकत्ता अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। सन 1875 में केवल 16 वर्ष की आयु में न केवल जगदीश ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास की बल्कि छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से स्नातक किया। उसके बाद वो इंग्लैंड पढ़ने चले गए। यहां से सन 1884 में उन्होंने एक साथ दो दो डिग्रियां प्राप्त की, बीएससी और प्रकृति विज्ञान में ट्राइपॉस। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बसु कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उनकी नियुक्ति तो हुई लेकिन उन्हें गोरों के मुकाबले केवल आधे वेतन पर रखा गया। स्वाभिमानी और निर्भीक जगदीश चंद्र बसु ने इस अन्याय के विरुद्ध एक पत्र शिक्षा अधिकारी को लिखा और उसके बाद एक दिन सीधा पहुंच गए बंगाल के शिक्षा अधिकारी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के सामने, जिनका नाम था सर अल्फ्रेड क्रॉफ्ट। सो मिस्टर बोस, हैव अ सीट। सो ओके मिस्टर बोस, I saw your letter. आप कहते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है। सर, मुझे ब्रिटिश सहयोगियों की तुलना में आधा वेतन दिया जाएगा और आपको ये अन्याय नहीं लगता सर? सी मिस्टर बोस, यू आर एन इंडियन, आप भारतीय है, इसलिए आपको ब्रिटिश अधिकारी के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता। एंड ऑल्सो अभी आप व्हाट डू यू कॉल इट, अस्थाई हैं, टेम्पररी, तो अभी तो आपका वेतन आधा ही होगा, एज सिंपल एज दैट।
You better understand. I'm sorry, sir. Mr. Alfred Croft. मैं किसी भी यूरोपियन शिक्षक से योग्यता में या पढ़ाने में कम नहीं हूं, तो मुझे पूरे वेतन को पाने का हक है। I rightfully deserve equal salary, sir. Oh my goodness. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिस्टर बोस, अपने हक के लिए लड़ूंगा मैं सर। इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। I condemn racism. Oh really? This is injustice, sir. I'll fight for my right. मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। Oh, I see. Well, well, you go on ahead and try. कोशिश कीजिए। Mr. Bose, ये सरकार की नीति है, not mine. आपको पढ़ाना है तो आधी तनख्वाह ही लेनी होगी। No, sir. What? Absolutely no. तो आप क्या करोगे? इस अन्याय का विरोध करूंगा सर, लेकिन अपने तरीके से। मैं ऐसे विरोध के भी खिलाफ हूं जिससे विद्यार्थियों का नुकसान हो। मेरे विरोध में उनकी शिक्षा कहीं आड़े नहीं आएगी। And? मैं अपना काम करूंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा, वो भी और जोरदार तरीके से, लेकिन मैं वेतन नहीं लूंगा। सर, सेम जॉब सेम पे, या तो पूरा वेतन या बिल्कुल भी नहीं। Okay, carry on then. Sir, सबको समानता का अधिकार है। Oh my goodness. आखिरकार 3 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा, और इस प्रकार जगदीश चंद्र बसु को पूरा वेतन मिलना शुरू हुआ, वो भी 3 साल के बकाए के साथ। इसके बाद सर एल्फ्रेड क्रॉफ्ट जगदीश चंद्र बसु के घनिष्ठ मित्र बन गए। सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय ने उनके शोध लेख ड्रिफ्टिंग ग्रेटिंग द्वारा विद्युत तरंगों की लंबाई, इस पर उन्हें डीएससी की उपाधि दी, और इसके लिए उन्हें परीक्षा में बैठाने की भी जरूरत नहीं समझी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु को प्रयोगों तथा आविष्कारों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से निमंत्रण आए। सन 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, सन 1902 में लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में, 1914 में यूरोप के कई देशों में उन्होंने अपने प्रयोग प्रदर्शित किए और व्याख्यान दिए। 1919 से 1929 के बीच कोपेनहेगन, जिनेवा, पेरिस, बर्लिन, वियना, न्यूयॉर्क और टोक्यो में अपने प्रयोगों से उन्होंने दुनिया को चकित कर दिया। ये है मेरा नया उपकरण कोहरर। इस स्प्रिंगनुमा सर्किट में मैं, ये देखिए, एक टेलीफोन डिटेक्टर लगा रहा हूं। हाँ ठीक है। अब जैसे ही मैं ये करता हूं तो तरंगों का फ्लैश रिसीवर पर नजर आता है, और सुनिए, ये गोइलमो मार्कोनी को इस बेतार टेलीग्राफी में अपार संभावनाएं नजर आईं, और 10 साल बाद 12 दिसंबर सन 1901 को उन्होंने अटलांटिक महासागर पार संदेश पहुंचाने का अपना पहला प्रयोग अंजाम दे दिया। एक बार नहीं बल्कि बार बार प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु अपने प्रयोगों से विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे। एक बार की बात है
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर माइकल फोस्टर एक दिन सुबह सुबह खुद प्रोफेसर बसु की प्रयोगशाला में आए। वे खुद अपनी आंखों से अति संवेदनशील उपकरण को देखना चाहते थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर बोस। यू हियर प्रोफेसर फॉस्टर। वेलकम वेलकम सर। आई एम रियली ऑनर्ड। द प्लेजर इज ऑल माइन मिस्टर बोस। कम लेट्स मूव इन पीस। ये देखिए, ये है मेरा उपकरण। इसका नाम है बैलेंस्ड क्रेस्कोग्राफ। इस रिस्पॉन्स कर्व के बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं? प्रोफेसर बोस, व्हाट इज न्यू इन दिस? इस प्रयोग में नया क्या है? हमें आधी सदी के पहले से जीवों में ऐसे रिस्पॉन्स कर्व का पता है। आर यू श्योर मिस्टर फॉस्टर? यस आई एम। आर यू श्योर कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नया नहीं है? नो डाउट मिस्टर बोस, हमने कई दशकों से ऐसे रिस्पॉन्स कर्व देखे हैं जीवों में। बट आई एम सॉरी टू से सर, ये एक टिन का रिस्पॉन्स कर्व है। व्हाट? टिन? यू मीन अ टिन? यस सर। You said a tin. Yes. You mean a tin? you said a tin. Yes. You mean a non-living thing. That's it. I can't believe my ears. क्या मैंने ठीक सुना? आपने tin कहा? Yes, Mr. Foster, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि लंबे समय तक लगातार काम करके कोई भी मशीन थक जाती है, उसकी संवेदनशीलता कम होती जाती है। जैसे जीव विश्राम करके फिर से काम करने की स्थिति में आ जाते हैं, वैसे ही विश्राम से कोई भी उपकरण फिर से वर्केबल हो जाता है। और बिना आराम, बिना उसका ध्यान रखे, जीवों की तरह धातुओं की सहनशीलता भी कम होती जाती है या बिल्कुल गायब हो जाती है। यू नो, वी कैन कॉल इट अ डेथ सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अमेजिंग प्रोफेसर बोस, अमेजिंग। I invite you to the Royal Society of London. आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और वहां अपने प्रयोगों और आविष्कारों का प्रदर्शन करें। Sure, sir. Why not? Thanks for the opportunity. And really good to have you here, sir. Honored. The pleasure is ours, Mr. Bose. सन 1916 में ब्रिटिश सरकार ने आचार्य जगदीश चंद्र बसु को नाइटहुड से सम्मानित किया। 13 मई सन 1920 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी की उपाधि के लिए उन्हें चुना। सन 1927 में प्रोफेसर बसु ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। सन 1931 कलकत्ता यानी कोलकाता के नागरिकों ने सर जगदीश चंद्र बसु के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे उस समय के कोलकाता के मेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जगदीश चंद्र बसु से बहुत अधिक प्रभावित थे। दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता रहता था। महात्मा गांधी ने सर जगदीश चंद्र बसु के जन्मदिन पर एक पत्र में एक बार उन्हें लिखा था। Add my greetings to the many you have received. May you be spared long. अनेक शुभकामनाएं जो आपको मिली होंगी उनमें मेरी भी एक शामिल कर लें। मेरी दुआ है कि आप दीर्घायु हों, जिससे निरंतर बढ़ती आपकी क्षमता और महानता आप पूरे भारत के साथ साझा करते रहें। योर इंक्रीजिंग पावर एंड ग्रेटनेस। 22 नवंबर 1937 को रात में बसु देशभक्ति गीत सुनते रहे। अगले दिन 23 नवंबर 1937 को
इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अनुसंधान यात्रा पूरी कर सदा के लिए विश्राम ले लिया। आचार्य जगदीश चंद्र बसु, तुम्हें हमारा शत शत प्रणाम। वे हमारे सबसे बड़े शत्रु होंगे जो चाहते हैं कि केवल अतीत की गौरव गाथाओं पर ही हम जिएं, पर वास्तव में निरंतर सफलताएं अर्जित करके ही हम अपने महान अतीत के साथ न्याय कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ही हमारी प्रयोगशाला है, जहां से भ्रम और भ्रांति की धुंध के पीछे से निकलकर सत्य के नियम उजागर होते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, कमल कुमार वर्मा, ममता मलकानी, वैभव, रक्षित थपलियाल और किशोर सहजानी, बाल कलाकार निशांत, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।